खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। और इतना वक्त दिया है, इतना शायद पुरुष भी नहीं देंगे आज के तारीख में। उन्हें घर का भी काम करना होता है और फिर बच्चों को भी संभालना होता है और मतलब ए टू जेड सारे काम उन्हें करना होता है, उसके बावजूद वो इतना समय निकाल के यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं आपको मीडिया आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि महिला ने जब जब कदम उठाया तब तब इतिहास रचा है, और परिवर्तन भी अगर हुआ है तो महिलाओं के हिसाब से हुआ है। आज इतनी तादाद में महिलाएं यहाँ आई, इतनी जो महिला शक्ति आई है, तो डेफिनेटली मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है। और इसका सारा श्रेय जाता है किसी को तो संतोष भाई माइंकर मैडम और उनकी पूरी टीम को, उनका जो समाज है और जितने भी लोग यहाँ आए सबको इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये लोग अपने में एक अनोखे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी ये चीज़ अपने सामने आई है बराबर, इसके अंदर हमारी कमेटी एक बार बैठ के एक बार मीटिंग करेगी कि इसके अंदर क्या निर्णय लेना मांगता है और क्या उसके आगे ये चीज़ ना हो, उसके आगे क्या काम करना मांगता है पार्टी के माध्यम से, वो हम एक्शन लेंगे और वो काम हम करेंगे। ऐसा है, हर चीज़ के पीछे अभी हमने भी बैनर लगाया है, उसके पीछे परमिशन लेती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी पालिका के माध्यम से निकले या कोई और पार्टी के माध्यम से निकले, जो भी विषय है वो तो हर चीज़ हमारी जो कमेटी है, राष्ट्रवादी पार्टी की जो कमेटी है, जो बोर्ड मेंबर है, वो हम लोग बैठेंगे और उसमें ये विषय नहीं, बहुत सारे और भी विषय है जिसके बारे में हम लोग चर्चा विषय करेंगे और उसका हल कैसा जल्द से जल्द हो सके वो भी करेंगे, आगे चल के
थोड़े बैनर नहीं, पूरे मीरा बंदर में राष्ट्रवादी की बैनर दिखे ये भी कोशिश करेंगे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की तरफ से ये कार्यकर्ता मेलावा और हर साल हरदी गुंगू का कार्यक्रम रखा जाता है। ये कार्यक्रम में आपके माध्यम से सभी को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जनता ने हमेशा राष्ट्रवादी को सपोर्ट किया है, सहकार्य किया हुआ है। और आज आपको मैं पहले इसके पहले बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी को जरा कृपया करके शांतता रखो। यहाँ पे मीडिया आई हुई है, मीडिया को तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आज आपको सभी को मालूम है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सब मीडिया को मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतनी भारी संख्या से आप सब मीडिया यहाँ पे उपस्थित है। और ये कार्यक्रम जो आज कार्यकर्ता मेलावा और जो हर साल की तरह आज यहाँ पे हल्दी कुंकू का कार्यक्रम जो रखा जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय बबीता वर्मा जी, युवक के अध्यक्ष साजिद पटेल जी, हिंदी भाषिक सेल के हमारे अमित सिंह ठाकुर जी और युवती अध्यक्ष सिमरन ज्ञानचंदानी जी, और यहाँ पे जक्की भाई पटेल ओड़ा माझीवाड़ा विधानसभा से भी मेरे भाई यहाँ पे उपस्थित है, मीडिया सेल के प्रभारी यहाँ पे बेदी जी यहाँ पे उपस्थित, खास करके मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मीडिया प्रभारी करके जो मीडिया का आयोजन किया यहाँ पे। और आपके माध्यम से इतना ही बताऊंगा कि आने वाले कार्यकाल में जो जनता की मीरा भाईंदर की जो जो समस्या है आज है, ये पहले भी बताया मैंने भाषण में कि ये मीरा भाईंदर की जनता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रखा हुआ है, और ये आशीर्वाद की वजह से नगर अध्यक्ष बोलो, महापौर बोलो, आमदार बोलो, खासदार बोलो, ये मीरा भाईंदर की जनता ने राष्ट्रवादी को जो दिया मौका, और ये मौका दिया इसके लिए मीरा भाईंदर का जो आज विकास दिख रहा है यहाँ पे, वो बहुत बड़ा परिणाम है कि जो विकास हुआ है मीरा भाईंदर का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हुआ है। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर के जितने हमारे एनसीपी के भाई हैं, भतीजे हैं, साजिद, चक्की, मेन तो हमारे संतोष भाई है, उन्होंने आज सामने बढ़ के उन्होंने आज जो जो यहाँ पर समस्याएं बताई मेरी आंखें खुली रह गई। बिना यहाँ के अध्यक्ष के इलेक्शन हो गया, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पर रोड की सुविधा भी नहीं है, यहाँ हेल्थ की सुविधा नहीं है। तो ये मेलावा जब लिया गया है कार्यकर्ता, तो मेलावा लिया ही इसीलिए जाता है कि मिलना होता है। तो ये मुलाकात आप जानिए कि 2022 में जो हमारा इलेक्शन होगा, ये मुलाकात हमारी उस समय रंग लाएगी। और सबसे पहले मीडिया और मीडिया प्रभारी को सबको धन्यवाद देंगे, यहीं से इस मंच से आपको बोलना चाहेंगे कि आप लोगों का साथ है तो राष्ट्रवादी कहीं नहीं चुकी। जो यहाँ पर चोर है, घुसखोर लोग हैं, उनको सबको हकाल पट्टी करके हमारे सारे बच्चे, हमारे भाई लोग यहाँ पर बैठेंगे और उनको बैठाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। राष्ट्रवादी का परचम लहराएगा, जय मीरा भाई। बहुत अच्छी बात आपने पूछा, राष्ट्रवादी का अगर ये जो भीड़ दिखी है 2017 में, सच्ची में जो पार्टी की यहाँ पर लोगों ने साथ छोड़ के गया है, तो हमारे संतोष भाई फाउंडर मेंबर हमारे साथ शुरू से रहे हैं, आदरणीय पवार साहब के साथ में जो हमारे साथ है, और उसका क्रेडिट आज पूरा और पूरा संतोष भाई को जाता है, और अमित है, और हमारे दोनों जक्की और साजिद है, इन लोगों को जाता है, पूरा इनका ग्रुप है जो उनके पेट ठोकने लायक इन लोगों ने काम किया है। संतोष भाई के पेशेंस को मानना पड़ेगा, आज इतनी महिला, आज महिलाओं को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाती है, आज इतनी महिलाओं को, हजारों से महिलाओं को इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है, और इसके लिए इन्हें कम से कम नहीं तो भी एक महीने दो महीने पहले से इतनी शायद इस भीड़ में लगना लग रहा होगा, तब जाके आज ये हासिल हुआ है। इससे ये आगाज हो रहा है कि 2022 में हम बहुत अच्छे से और बहुत बहुत ही मैंने बहुमत से संतोष भाई और उनका पूरा ग्रुप सामने आएगा। बहुत सारे स्कूल है, सारे कॉलेज मीरा भाईंदर में भी हो चुके हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। आज अपन सत्ता में आए हैं 5 साल बाद,
अभी अपने सत्ता के जितने भी मंत्री बने जिनके हाथ में जो शिक्षण का विभाग है उनके माध्यम से जितना फायदा अपन अपने मीरा भाईंदर के लिए ले सकते हैं, अपन जैसा आपने बताया कि एकजुट होके अपन एकजुट होके काम करें, मीरा भाईंदर की जो समस्या है वो अपने वरिष्ठों तक पहुंचाएंगे, तो युवा नहीं पार्टी के माध्यम से हर एक समस्या दूर होगी। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बैनर का विषय बोला, बराबर है, अपनी एकजुट होगी तो नगर पालिका क्या चीज़ है, कोई भी अपना बैनर को हाथ नहीं लगा सकता, अपने पीछे पवार साहब का सपोर्ट है, बराबर। अपन एकजुट होके आज ताई आई, पार्टी के तरफ से ताई आई, अपने को अपनी महिला अध्यक्ष की कमी महसूस हुई नहीं हुई, उन्होंने इतना उत्साह दिला दिया कि ऐसी ही हर एक प्रोग्राम में ताई आते जाएगी। अपनी ऐसी कुछ जो कमी है जिधर अपन कमजोर पड़ते हैं, अपने वरिष्ठ जो आएंगे अपने को हौसला देंगे, तो अपनी जितनी परेशानी है या जो जो काम अपने पेंडिंग है कोई भी काम एक दिन में तो सॉल्व नहीं होता। ये लोग मुझसे ये चीज़ मुझसे ज़्यादा तो आप लोग समझ सकते हैं, मीडिया समझ सकती है, सोशल मीडिया और मीरा भाईंदर की जनता समझ सकती है, जिसको आप जेलेसी बोल सकते हैं या फिर एक डर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी है वो हमारे लिए पॉजिटिव ही है। अगर जेलेसी भी है तभी भी हम तरक्की कर रहे हैं, और अगर डर भी है तभी भी हम तरक्की कर रहे हैं, और ये कब तक रुकेंगे हम तब तक चलेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारी जिला राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनका हमेशा से मुझ पर आशीर्वाद रहा है, मेरी माँ समान है, उन्होंने जो आके यहाँ मीरा भाईंदर में जो इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम का जो गौरव बढ़ा है उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और संतोष भाई जैसा एक जिला अध्यक्ष आज तक मेरे हिसाब से मीरा भाईंदर को नहीं मिला है, जो ज़मीन से जुड़े हुए। इसके बीच सत्ता आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, सत्ता आने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता बड़े बड़े चेहरे आए और गए और आज भी आ रहे जा रहे, और बहुत लोगों ने साजिश भी की उनको हटाने की, लेकिन जिसका जिसके ऊपर जनता का सपोर्ट है, जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है, तो उसका तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और वो ऐसा जिला अध्यक्ष है जो आज तक मीरा भाईंदर के हिस्ट्री में नहीं मिला है, नहीं तो मीरा भाईंदर बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष थे जो राष्ट्रवादी के बैनर के नीचे पवार साहब के सपोर्ट से बड़े बड़े वरिष्ठ के नीचे माध्यम से जिला अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन कभी उन्होंने अपने कार्यकर्ता या अपने पदाधिकारी को लेवल पर समझा नहीं। वो ऐसे जिला अध्यक्ष थे जो दो दो घंटे एसी ऑफिस में बैठते थे और दो दो घंटे अपने पदाधिकारियों को बाहर बैठाते थे। तो ये जो जिला अध्यक्ष है ये जमीन से जुड़ा हुआ जिला अध्यक्ष है, ये कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलता है, और इनको देख के आप बोल नहीं सकते जिला अध्यक्ष है। अगर हम कहीं चाय के टपरी पे भी बैठेंगे तो हमारे साथ चाय के टपरी में बैठते हैं। तो हमारे जो यहाँ के मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय का उद्घाटन था, साथ में उनको हल्दी कुमकुम का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें महाराष्ट्र के अभी जिसमें महाराष्ट्र के जो हमारे ताई भी हैं महासचिव राष्ट्रीय महासचिव वो भी आए थे, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ आप देख सकते हो। और 2022 में क्या रणनीति है, किस प्रकार से उनको अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है, उसके लिए भी रणनीति है। अभी आने वाले समय में हमारा एक कार्यालय और हम जल्दी खोल रहे हैं, जिला कार्यालय।